दरियापुर पेट्रोल पंप के ऊपर, यहाँ पे पेट्रोल पंप के मतलब पेट्रोल वाले भी अपनी मनमानी कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, तो इसकी वजह से प्रशासन भी यहाँ पे तैनात है। प्रशासन के दो कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं कि पेट्रोल पंप वाले भी अपनी मनमानी ना करें, किसी को बिना वजह पेट्रोल ना दें, जो टाइम दिया गया है उसके ऊपर ही वो पेट्रोल दे और बाकी एम्बुलेंस वालों को पेट्रोल दे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस कर्मचारी यहाँ पे भी कड़ा बंदोबस्त है दरियापुर को भी। अभी मैं दरियापुर की पब्लिक को ये आह्वान करूँगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप वगैरह चालू है तो पेट्रोल पंप भी बंद रखे जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कड़ा आदेश है पेट्रोल पंप वालों को भी कि पेट्रोल किसी को ना दिया जाए। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करूंगा कि कोई बिना वजह बाहर ना निकले, क्योंकि पेट्रोल किसी को भी दिया नहीं जा रहा है, गाड़ी वालों को भी। हमारे साथ में पेट्रोल वाले यहाँ पे मौजूद है, जो पेट्रोल पंप कर्मचारी जो लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम टाइमिंग जानेंगे कि कब प्रशासन ने कितना टाइमिंग दिया है इनको पब्लिक को पेट्रोल देने के लिए। भैया आपका नाम बताइए। मैं दीपक शर्मा। भैया प्रशासन की ओर से क्या मतलब शासन का आदेश है कि 8 से 12 जो सामान्य जनता के लिए टाइमिंग है, यानी जैसा जीवनावश्यक वस्तु दूध भाजी किराना खरीदने के लिए, उसी टाइम में सामान्य जनता आकर पेट्रोल ले सकती, और उसके अलावा कोई आपातकालीन परिस्थिति जैसा शासन का वाहन, पुलिस का वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, इनके लिए हम 24 तास सेवा देने के लिए तत्पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दरियापुर के अंदर भी पेट्रोल पंप, दरियापुर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर अभी पेट्रोल पंप को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। सिर्फ पुलिस कर्मचारी और डॉक्टर लोग ही आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी और प्रशासन की ओर से इन लोगों को पेट्रोल पंप वालों को भी आदेश दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन मायने अभी अंदर आप लोग मास्क लगा ले रहे हैं, हैंड ग्लोव्स पहन ले रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इस वायरस को आपके हेयर्स के ऊपर भी ये वायरस संक्रमण कर सकता है। इसीलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग जितनी रखेंगे आप लोगों के घर के लिए और आपके लिए भी स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यकता है। आप देखते रहिए मीडिया स्टार चैनल। मैं कैमरा पर्सन नीलेश के साथ दरियापुर से सैयद उमेर। टीम दरियापुर के अंदर आई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पुलिस कर्मचारी यहाँ पे भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं। जिस तरीके से परसों के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके कहा था, आह्वान किया था कर्फ्यू के लिए, लॉकडाउन के लिए, तो इसके बाद में प्रशासन पूरा कड़ा बंदोबस्त कर रहा है। मैंने कल आपको लगभग पूरा अमरावती और परतवाड़ी की विजुअल बताया था, और अभी आज आप देख सकते हैं कि दरियापुर जो कि अंजनगांव आउटकोट के जो दरियापुर से रोड यहाँ पे आके मिलाता है, वहाँ पे फुल तरीके से पूरा प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त है। और वो पूरे पब्लिक को यही आह्वान कर रहे हैं कि अपने घर के ऊपर रहे, जो टाइमिंग दिया गया प्रशासन की ओर से उस टाइमिंग में अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर आ जाए। मेडिकल खुले हैं, मेडिकल और हॉस्पिटलों के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा प्रशासन, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेवजह बाहर निकल रहे हैं तो प्रशासन कड़ी सख्त कार्रवाई कर रहा है उन्होंने, क्योंकि अब अपने डंडों के ऊपर गेटा लगा, उन्होंने अपने डंडों के ऊपर गेटा लगा के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डंडों के ऊपर डेटा लगाने से एक फ़ायदा हो रहा है कि पब्लिक को मारने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं जा रही है, पब्लिक को फुल तरीके से मारा जा रहा है अब, क्योंकि पब्लिक अगर सुनेंगी नहीं तो कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे देश के अंदर बढ़ सकता है। और डॉक्टर को बताना ये आ रहा है कि अगर से कोरोना वायरस देश के अंदर फैलता है तो लगभग 40 लाख लोगों की मौत हो सकती है। तो इसके से आप लोगों से यही, मेरे चैनल की ओर से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने घर के अंदर स्टे करें और बाहर बिना वजह ना घूमें। तो अभी थाईदा साहब से भी बातचीत करेंगे हम, उनकी बाइक लेंगे और आपको दरियापुर का पूरा बताऊंगा किस तरीके से लॉकडाउन। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मीडिया स्टार चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको अभी दरियापुर आकोट अंजनगांव जो रोड को जोड़ता है दरियापुर से, वहाँ पे आपको विजुअल बताया हूँ किस तरीके से प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त है। हमारे साथ में यहाँ के थानेदार साहब भी जुड़े हैं। थानेदार साहब, हमारे चैनल के माध्यम से दरियापुर के लोगों को क्या एक आह्वान करना चाहेंगे, आइए जानते हैं उनकी जबानी। सर, प्रधानमंत्री जी ने परसों के दिन जब कर्फ्यू का ऐलान किया उसके बाद में प्रशासन पूरा कड़ा बंदोबस्त में आ गया है, लोगों को बाहर देखने के बाद में 2 दिन तक ढील दिया गया था,
लेकिन प्रशासन परसों के दिन से मतलब बिल्कुल अपने दंडों के ऊपर डेटा लगा के पब्लिक को पिटाई कर रहा है, तो आप उसके बारे में दरियापुर के पब्लिक को क्या आह्वान करना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री साहब तसेच मुख्यमंत्री साहब यांनी सर्वांना आवाहन केलेलं आहे की सध्या कोरोनाचा प्रभाव वाढलेला आहे. इतर देशांप्रमाणेच आपल्या देशातही सध्या कोरोनाचं प्रमाण आता वाढते. कोरोनाचे जे रुग्ण आहेत त्यांच्या संख्येमध्ये भरपूर वाढ होत आहे. त्याच्यामुळं हा संसर्गजन्य रोग असल्याने यामध्ये लोकांना आव्हान आम्ही पोलीस स्टेशन दर्यापूरतर्फे आम्ही लोकांना आव्हान करतो आहे की आपण आपल्या घरात राहूनच प्रशासनाला आणि तसेच पोलीस विभागाला सहकार्य करायचं आहे. परंतु एवढं आव्हान करूनही लोकांचं सकाळी 8 वाजतापासून तर 12 वाजेपर्यंत लोकांना एक वेळ दिलेली आहे की या वेळेमध्ये तुम्हाला ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहे या वस्तू तुम्हाला विकत घेण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी एक वेळ दिलेली आहे. त्यावेळेतच तुम्ही आपण बाहेर निघायचं आहे आणि त्यावेळेतच त्या वस्तू तुम्ही खरेदी करायच्या आहे. परंतु या व्यतिरिक्तही लोक सकाळी 8 ते 12च्या दरम्यान जे बाहेर निघतात यामध्ये लोक समजूतदारपणानं दाखवतात किंवा ह्या म्हणजे सिरियस नव्हतं ह्या गोष्टींकरता. लोक एकदम एकाच ठिकाणी गर्दी करतायत. हेच आपल्यासाठी चुकीचं आहे कारण ही जे संचारबंदी कलम 144 प्रमाणे लागू झालेली आहे ही संचारबंदी आपल्या जनतेच्या हितासाठी आरोग्याच्या दृष्टीने लावण्यात आलेली आहे. तरी त्याकरता जनतेनं सहकार्य करायचं आहे एवढीच आमची दर्यापूर पोलिसांतर्फे सर्वांना विनंती आहे. तरी लोकांनी आम्हाला सहकार्य करावे. याच्या वजहने दर्यापूर के धरेंद्र साहब जो कि आप अभी देख सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपके लिए फिलहाल अभी पुलिस कर्मचारी और डॉक्टर जो हॉस्पिटल के लोग हैं वही आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वही आपके लिए भगवान का रूप है. पुलिस कर्मचारी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कोरोना वायरस से न डरते हुए आपके लिए बाहर आके निकले हुए हैं और आप लोगों का भी सहयोग पूरी तरीके से चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वाले तो अभी फिलहाल घरों के अंदर दबे हुए कोरोना वायरस के डर के मारे, लेकिन पुलिस कर्मचारी आपके लिए बाहर निकले हुए हैं और आप लोगों की सेहत के लिए ये लोग बाहर है तो आप लोग सुरक्षित है. तो इन लोगों को पूरी तरीके से सहयोग करें आप लोग और घर के अंदर ही स्टे करें. मेरे चैनल के माध्यम से मैं दरियापुर वालों को ये एक सलाह दूंगा कि अपने घर के अंदर रहे, जो प्रशासन बोल रहा है उसके ऊपर बात पे तवज्जो